आज हम डियर फेस मास्क बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग मटेरियल चाहिए, वो भी स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक में कलर, अलग अलग तरह के पेपर होते हैं। उसके बाद कुछ टूल्स होने चाहिए, इस तरह के टूल्स सबके पास होना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर लेंगे, उसे फोल्ड करेंगे सेंटर से और वन साइडेड फेस ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ भी वन साइडेड ड्रॉ करने से क्या होता है, जब हम उसे एक साइड ड्रॉ करते हैं, जब ओपन करेंगे तो पूरा ड्राइंग हमको सिमिलर दिखाई देगा, क्योंकि फेस सिमिलर ही होता है, इसलिए हमें वन साइडेड फेस बनाते हैं। एक तरह हमको आसानी हो जाती है। इस तरह से उसकी डियर बना रहे हैं। डियर का जो करेक्टर है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अब हमें सीजर की मदद से उस फेस को कट करेंगे। सावधानी से कट करना है, पेशेंसली कट करना है, धीरे धीरे करना है कट। अब कट को सही तरह से शार्पनेस होना चाहिए। अब ये कंप्लीट होने के बाद आई कट कर के लिए स्मूथ सीजर का इस्तेमाल करते हैं। स्मूथ और फोल्ड करके ही करते हैं, क्योंकि फोल्ड करने से दोनों आई, दोनों साइड का आई हमको सही रेशियो से कट करके हमको मिल जाएगा, इसलिए हम लोग फोल्ड करते हैं और सावधानी से कट करना है स्मूथ सीजर से। अब इसको फेस मेरा कट जो कंप्लीट वर्क हो गया। हम अब इसके बाद हम लोग ब्राउन कलर से उसके डियर के हेड के ऊपर टॉप एरिया को हम लोग ब्राउन कलर से ही कलर करेंगे, और कलर भी थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड का मात्रा नहीं रहना चाहिए। लिक्विड रहेगा तो पेंट करने में थोड़ा सा असावधानी होगी, और ब्रश का हैंडलिंग भी सही तरह से करना है, स्लोली स्लोली करना है। इस तरह से कंप्लीट पूरे एरिया पे हमको कलर प्रिंट करना है, किसी भी एरिया पे छूटना नहीं चाहिए। अब इसके बाद वाइट कलर का पेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो ड्रॉ किया हुआ एरिया है उसके ऊपर ही हम लोग उस चीज़ को फिल करेंगे, ज़्यादा पेशेंसली, क्योंकि ब्रश से हैंडलिंग करना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए ब्रश का जब हैंडलिंग करेंगे तो सावधानी से करना है। अब उसके बाद हम लोग जो आई कट है उस एरिया के ऊपर एरिया को हम लोग क्या करेंगे, वाइट कलर से पेंट करेंगे, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी दोनों आई में इसी तरह से। अब उसके बाद वाइट डॉटेड पेंट डालेंगे, क्योंकि तो डियर के हेड में डॉटेड होते हैं और पूरी बॉडी में भी डॉटेड पेंट होते हैं। अब इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद पिंक कलर पेंट का इस्तेमाल करेंगे। जो कान के जो एरिया है उसके इनर भाग में पिंक कलर का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ईयर में पिंक कलर सावधानी से ब्रश के हैंडलिंग से कलर करना है, पूरी तरह से किसी भी एरिया में कलर छूटना नहीं चाहिए सारे तरह। अब इससे कंप्लीट होने के बाद इसके बाद ब्लैक कलर का पेंट इस्तेमाल करेंगे। जो आई के ऊपर के एरिया को जो आई लाइनर बोलते हैं उसकी तरह हम लोग उसको पेंट करेंगे, क्योंकि हिरण की आँख एकदम मृगनयनी रहती है, जिसके देखने में सुंदर लगती है, इसलिए हम लोग ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, जो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है ब्लैक कलर से। दोनों को उसी तरह से ब्रश का हैंडलिंग कर, यदि आपके पास ब्रश नहीं या ब्रश में हैंडलिंग नहीं है हो पाता है तो आप ब्लैक कलर का मार्कर पेन से आप इस तरह से पेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आसानी भी होगी, क्योंकि ब्रश पे सभी का कमांड नहीं हो पाता है इस तरह से। अब जो कान का जो एरिया है उसको इनर एरिया में थोड़ा सा मोटी मोटी लाइन हम बनाएंगे ब्रश की मदद से, दोनों साइड में उसी तरह से करना है।
अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब बीच से हम लोग सेंटर से उसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि फेस मास्क है तो उसके लिए पंच होल होना चाहिए। इसको पंच मशीन के द्वारा हम लोग उसको होल करेंगे। अब होल हो गया, उसके बाद हम लोग उस पर थ्रेड लगाएंगे। थ्रेड भी इक्वल रेशियो का होना चाहिए। उसको कट करेंगे थ्रेड, और होल पे हम लोग अच्छी तरह से नोट बनाएंगे उसका। इस तरह से बांधना है हम लोग को अच्छी तरह से। जब भी हम लोग होल्ड करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा किनारे रहेगा तो जब थ्रेड हम लोग बांधेंगे तो फटने का चांस रहेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा डिस्टेंस में हम लोग रखते हैं। अब हमारा डियर का फेस कंप्लीट हो गया। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।